रोहित पवार अपने परिवार के साथ अयोध्या गए थे। उस पर उन्होंने कहा कि अयोध्या के साथ साथ वे वाराणसी, अजमेर और सारनाथ भी गए, वहां जाकर गंगा की पूजा की। मैं अपने परिवार के साथ वहां गया था। भारत में हर कोई अपने परिवार के साथ यात्रा करता है। मैंने देश और महाराष्ट्र में शांति के लिए प्रार्थना की। मैं वहां के अधिकारियों पर जरूर दबाव बना रहा हूं, सभी अधिकारियों पर दबाव बना रहा हूं। ऐसी प्रतिक्रिया उन्होंने इस वक्त दी। वीकेबी न्यूज के लिए रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चौहान। नहीं, एक तो अयोध्या के साथ मैं अजमेर भी गया था, सारनाथ भी गया था, वाराणसी भी गया था, वहाँ पर भी पूजा की, गंगा की पूजा की, सरयू की पूजा की। मैं वहाँ पर फैमिली के साथ गया था। जैसे इस भारत में कोई भी व्यक्ति अपने फैमिली के साथ मंदिर में जाता है, प्रेरणा ठिकान पे जाके वहाँ पे दर्शन लेता है, वैसे मैं वहाँ पे गया था। बहुत अच्छी विजिट थी। वहाँ पे जाके, सब ठिकानों में जाके मुझे बहुत अच्छी प्रेरणा मिली, भगवान के सामने नतमस्तक हुआ और देश और राज्य में शांतता आए, ऐसे में प्रार्थना भगवान से की। मैं तो नेता नहीं हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ और मैं फैमिली के साथ वहाँ पे गया था। और मैं अगर आपको भी पूछूँ, आप मंदिरों में जाते वक्त कैसे जाते हो, तो आप कहोगे फैमिली के साथ जाते हो। जैसे आप जाते हो, वैसे भी मैं फैमिली के साथ वहाँ पे गया था। मैं तो कार्यकर्ता हूँ, नेते वहाँ पे जाते हैं। जैसे आदित्य ठाकरे बहू के बारे में बात की, तो वो 3-4 बार वहाँ पर जाके आए। बाकी जो लोग अयोध्या के बारे में बात कर रहे हैं, वो कितनी बार अयोध्या इसके पहले गए हैं उन मुझे मालूम नहीं। अब बम्बई का इलेक्शन सामने आया, इसलिए शायद उस हेतु से, राज के हेतु से अगर वहाँ पे जा रहे तो वो गलत चीज़ है, लेकिन व्यक्तिगत हेतु से कोई जा रहा है तो अच्छी चीज़ है। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।